सर असि दोवां ने कसम खादी है कि जिंदगी विच जितांगे तां कट्ठे हारांगे तां कट्ठे। शाबाश शाबाश, दोस्ती होवे ते हो जाई, प्यार होवे तां तुहाडे वर्गा। शर्मा जी मैच हार गए और ये लोग उनको अवार्ड दे रहे थे पावर प्लेयर ऑफ द मैच, और शर्मा जी कितने इंटरेस्टेड है ये तुम उनके फेस एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हो। साले उमरान मलिक समझ रखे हो क्या, 1,00,000 रुपए लेके खुश हो जाएंगे। MI और CSK के फैंस हमेशा लड़ते रहते हैं, पर इस बार सिचुएशन ने उन्हें मोहब्बत करना सिखा दिया। एक टाइम था जब दोनों टीम्स फाइनल के लिए कम्पीट करती थी, और इस बार भज्जी और श्रीशांत के जैसे लास्ट स्पॉट के लिए लड़े जा रहे हैं। They don't like each other, these two, and you'll see why. Bump. कल दोनों मैचेस में पता नहीं क्या हो रहा था यार, ओवरसीज प्लेयर टेस्ट मैच खेल रहे थे और इंडिया यंग प्लेयर्स रन्स बना रहे थे। फाफ और अनुज के साथ भी यही हुआ और केन विलियमसन और अभिषेक के साथ भी यही हुआ। और यार अगर तुम विराट भाई को जानते हो तो उससे ज्यादा उनकी किस्मत के बारे में भी जानते होगे। विराट भाई ने कैप्टनसी छोड़ी तो भाई टॉस हारने से तो बच गए, बट उनकी किस्मत, कल अच्छी भली बैटिंग कर रहे थे और गलत डिसीजन के चलते आउट हो गए। ये सिचुएशन तो कहीं सुनेला लगता है, पर जो कल आउट हुए उस पर काफी सारा बवाल हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं आउट है, कुछ लोग बोल रहे हैं नॉट आउट है, पर एक्चुअली में हुआ ये था कि जब थर्ड एम्पायर ने रिव्यू किया तो पता चला कि बॉल बैट और पैड से साथ में लगी है, और थर्ड एम्पायर ने तो बोल दिया कि भाई ऑन फील्ड डिसीजन के एम्पायर के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ सूझ नहीं पड़ रही। पर क्रिकेट में ये रूल है भाई कि बॉल अगर बैट और पैड के साथ साथ में लगती है तो उसको बैट पे लगा हुआ माना जाएगा पहले। इसका मतलब भाई थर्ड एम्पायर को डिसीजन ओवरटर्न करना चाहिए था ऑन फील्ड एम्पायर का। हरामजादे ऐसे ऐसे डिसीजन देते हैं फिर बोलते हैं विराट गाली बकता है। अभी तो विराट कंट्रोल में है, असली गाली दी नहीं है, वरना एम्पायरिंग करोगे या कान में से खून साफ, कंफ्यूज हो जाओगे। अब यार थर्ड एम्पायर ऐसे डिसीजन देगा तो अब क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाएं क्रिकेट का? वहाँ इंटरनेशनल में 100 नहीं हो रही, IPL में 50 नहीं हो रही, हम क्या दाढ़ी बढ़ाने के लिए आए हैं टीम में? मुंबई के सबसे इन्फॉर्म बैट्समैन तिलक वर्मा को तो मैक्सी भाई ने रनआउट कर दिया था, और मुंबई के रिटेंशन पोलार्ड उनको तो भाई पहली बॉल पे निपटा दिया गया। पूरी कपिल देव पाजी वाली फीलिंग आ रही थी सूर्य कुमार भाई के बैटिंग देख के, अकेले ही लड़े जा रहे थे भाई। भाई जब से हम रिटर्न आए हैं टीम में बाकी टीम तो पूरी हमारे भरोसे ही बैठ गई है। अबे हम कोई बागी के टाइगर श्रॉफ है कि अकेले पूरी टीम के खिलाफ लड़ लेंगे? ये तुम्हारे लाडले पोलार्ड को रिटेन किया था ना तुमने, ये क्या यहाँ जिम करने आया बस, रन बनवाओ इससे। जोफ्रा आर्चर रख लिया जो खेल ही नहीं रहा, ये तो वही बात हो गई, सूरज तक जाने के लिए सीढ़ी लगवा ली और अपनी खुद की छत पर जा नहीं पा रहे। हर्षल पटेल और हसरंगा का तो पूरी पूरी इज्जत मिली सूर्य भाई की तरफ से, पर सिराज भाई को तो इतना कूटा कि जबरदस्ती उनकी भी 50 करा दी खुद के साथ में। हम लोग यार कोई भी मस्त चीज लाते हैं तो कभी कभी उसको कितना छुपा के रख देते कि जब जरूरत पड़ती है तब भी यूज नहीं कर पाते उसका। फाफ डुप्लेसिस भी यही कर रहे हैं। डेविड विली सबसे इकोनॉमिकल बॉलर उनके, डेथ ओवर्स में भयंकर कुटाई हो रही थी सूर्य भाई की तरफ से, पर फिर भी इनको नहीं लाया गया। पता नहीं यार डेविड विली को डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराने से क्यों डरते हैं फाफ भाई, जब सिराज भाई इतने एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं भाई डेथ ओवर्स में, तो विली भाई भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। कल तो दोनों ही लो स्कोरिंग मैचेस थे, बट आज लग रहा है कि काफी ज्यादा रन्स बनेंगे। क्या लगता है कितना स्कोर होगा लखनऊ वर्सेस राजस्थान वाले मैच में? एक सेकंड, ऐसे फ्री में ओपिनियन क्यों देना जब अपने ओपिनियन और सही प्रिडिक्शन पर 41,000 तक प्राइज मनी मिल सकता है प्रोबो ऐप के साथ। प्रोबो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम सही बिड करके पैसे जीत सकते हो। जैसे मैंने यहां पे प्रिडिक्शन किया 173, मुझे लग रहा है फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर ये होगा और मैंने बिड कर दिया। इसके अलावा यार यहां पे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्या आज राजस्थान जीतेगा, मैंने इस पे नो बेट किया क्योंकि मुझे लग रहा है लखनऊ जीतेगा। क्या यूजी भाई 3 विकेट्स लेंगे, तो इस पे भी मैंने नो किया क्योंकि मुझे लग रहा है यार 1 या 2 विकेट तक ठीक है, 3 विकेट मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा भी ढेरों इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी अभी जाओ प्रोबो ऐप पर और यस और नो बेट करके आज से ही पैसे कमाना स्टार्ट करो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके डाउनलोड करोगे तो तुमको ₹50 फ्री भी मिल जाएंगे। और हां, तुम अपने पैसे को इजीली विड्रॉ कर सकते हो UPI या पेटीएम के थ्रू। अरे भाई मैं कहां IPL देखता हूं, मैं तो मम्मी पापा के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूं। मैं भी कहां बुमराह और रोहित पाजी का फैन हूं भाई। MI एंड CSK टू फैंस नहीं हो पा रहा हमसे भाई, पॉइंट्स को टच भी नहीं करने दे रहे यार। CSK सीइंग MI वेटिंग फॉर देम एट द बॉटम। तुम मेरा दोस्त, अब तो सनराइजर्स हैदराबाद भी साथ छोड़ दिया यार, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। CSK एंड MI फैंस बिफोर IPL 2022। ओ यार तुझसे गले मिल ले यार, तू ही तो इकलौता यार है।
डे सूर्य कुमार यादव इनिंग्स रिमाइंडेड मी ऑफ दिस सीन, अकेले लड़े भाई लास्ट में अकेले लड़े। MINCSK फैंस वेटिंग फॉर देयर फर्स्ट विन इन दिस IPL। MI फैंस, CSK फैंस, तुम एक मैच जीत के तो दिखाओ ना, अरे पहले तुम जीत के दिखाओ ना, ऐसे करते करते पूरा IPL निकल जाएगा। विराट कोहली आउट, बहन की जो तुम्हारी हमेशा बिना कंक्लूसिव एविडेंस के आउट दे देते हो यार, ये गलत है यार, मतलब नहीं ये गलत नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यार, मतलब ये भी गलत है, पर मैं बोल रहा हूँ कि विराट भाई के खुद की अपनी इतनी प्रसिद्ध प्रसिद्ध गालियां हैं, पर तुम यार नेहरा भाई की यूज कर रहे हो, ये गलत है यार। कोई नहीं भाई, हमारे पास 5+4 नो ट्रॉफीज है। कंसेक्यूटिव 4 लॉस फॉर CSK, मुंबई इंडियंस, हम भी हार लेंगे। MI and CSK इन पॉइंट्स टेबल, दो दोस्त बॉटम ऑफ द टेबल रहेंगे, इससे प्यार बढ़ता है। ओह, पंडित को बुलाओ, शादी करेगा अपुन। भाई अगर किसी की लड़की वड़की घूम जाए, कोई लड़की घूम जाए ना पूरे स्टेडियम में, या फिर टेबल के नीचे भी छुपी हो, किसी चेयर के नीचे छुपी हो, तुम बस IPL कैमरामैन के पास पहुंच जाना, वो भाई ऐसे करके निकाल देगा लड़की को। मिट्टी दिखी, खोद दिया। मुंबई इंडियंस दिखी, RCB, मैं बच्चे लोगों से बात नहीं करता। CSK MI। विराट, ये क्या हो रहा है भाई, इंटरनेशनल लेवल पे कोई 100 नहीं मानने दे रहा और IPL में 50 नहीं मानने दे रहा। हाफ सेंचुरी विराट कोहली एम्पायर, इधर 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 भाई इधर। SRH MI CSK, जरा हम भी तो देखे हमसे बड़ा लूजर कौन आ गया। इफ इसका क्या अचार डालू हेड ऑफ फेस। ये बेस्ट मीम था यार।